विद इन फाइव मिनट्स में डन कर दोगे तो वीडियो बहुत ज्यादा है वीडियो में तारीफ नहीं करते हैं। और इस वीडियो को जरूर इस वीडियो बताए पहला के लास्ट में तो वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर आप वीडियो में पहली बार आयो चैनल पर पहली बार आयो तो हाथ जोड़ के विनती चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो बिकॉज इस वीडियो का जो एम है वो हंड्रेड लाइक है जैसी इस वीडियो पे हंड्रेड लाइक कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपके साथ में

तो बाजार में भले ही पांच हजार से ज्यादा शर्ट्स हो लेकिन उनके पास जो ब्लैक शर्ट होगी वो मेरे हिसाब से सोई शर्ट होगी फिर मैं बोलूंगा मेरे को ब्लैक शर्ट में भी वही चाहिए जो कॉटन की हो तो कॉटन के फैब्रिक में फॉर एग्जाम्पल पचास शर्ट होगी फिर मैं उनको बोलूंगा कि मेरे को ऐसी शर्ट चाहिए जो कि दो हजार रुपए से ऊपर हो तो क्या होगा पचास में से मात्र तीस ऐसे बचेंगे जो स्टॉक है उसमें से मैं बोल दूंगा कि मेरे साइज की मुझे शर्ट चाहिए तो उस तीस में से भी लास्ट में दस शर्ट बचेगी फिर मैं उन दस स्टॉक दस शर्ट को देख सकता हूं एंड अपना एक सौ दो शर्ट खरीद के आ सकता हूं तो यही तरीका हम स्टॉक सिलेक्शन में भी मार्केट में अप्लाई करते हैं जब हमारे आगे पांच हजार से उसमें से हमें एक सौ दो स्टॉक इस कहानी से क्या समझा कि हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे स्टॉक्स में क्या क्या चीजें ढूंढनी है तो सबसे नंबर वन चीज हम डिस्कस कर लेते हैं अगर मान लो मेरे को आज एक स्टॉक सिलेक्ट करना है एक स्टॉक सिलेक्ट करना है तो उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए नंबर वन वो स्टॉक मेरा निफ्टी हंड्रेड में होना चाहिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बिकॉज देखो हमें तीन चीज चाहिए हमें चाहिए लिक्विडिटी यानी कि अगर मान लो मैंने उस स्टॉक को बाय करा है तो वहां पे हमारा सेलर भी होना चाहिए और अगर मैं बीच में जाता हूं तो उसके बायर भी होना चाहिए ऐसे स्टॉक ना हो कि अब बाय तो कर लिया लेकिन कोई सेलर नहीं मिल रहा इसलिए वो स्टॉक में हम फंस चुके हैं यानी कि लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है नंबर सेकंड चीज जो चाहिए हमें वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है जहां जहां स्टॉक में वॉल्यूम होते हैं यानी कि वहां पे बड़ी पार्टी का पैसा लगा होता है वॉल्यूम आपको ज्यादातर उन्हीं स्टॉक्स में मिलेंगे जिनमें एफ होता है यानी कि फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल होता है और वो सारी चीजें हमें निफ्टी हंड्रेड के अंदर मिलेगी नंबर थर्ड चीज कौन सा होता है जिसमें आपको अच्छे खासे मोमेंटम वाले मिले देखो अगर आप किसी साइडवेज स्टॉक को लेके बैठ जाओगे जैसे कि आप कोचिन शिप यार्ड को देख सकते हो जो लगातार गिरता रहता है आप आई टी सी देख सकते हो जो, जो लगातार एक रेंज पर रहता है तो इनमें आप पैसा नहीं बना सकते आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो हर हफ्ते 500 से 600 पॉइंट की अप डाउन मोमेंटम देते हैं ऊपर से नीचे या फिर आप 5 से 6 परसेंट बोल सकते हो या फिर 500 से 600 पॉइंट अब ये जो तीनों चीज हमें मिलती है वो हमें निफ्टी 100 के स्टॉक्स में मिलती है तो ये हमारा हो गया नंबर वन सिलेक्शन का फिल्टर ओके गाइस ये हमें समझ में आ गया नंबर सेकंड देखो अगर मैं ऐसा स्टॉक लू ऐसी कंपनी का स्टॉक लू जिसकी कंपनी न्यूज में बहुत ज्यादा है जिन्होंने ऑलरेडी रफ्तार पकड़ रखे तो नॉर्मल सी बात है कि उनके स्टॉक्स भी करो करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सेक्टर का स्टॉक लेना चाहता हूं जिसका सेक्टर ऑलरेडी बूम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली गई है दिवाली से पहले आपने देखा होगा ऑटो सेक्टर यूजली परफॉर्म अच्छे करते हैं जिसमें गाड़ियां हो गई मोटर हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं अगर मान लो मेरे को स्टॉक सिलेक्ट करना होगा तो मैं उसी सेक्टर का स्टॉक निकालूंगा जो सेक्टर अच्छा बूम कर रहा होगा अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा देखो स्टॉक्स मैं जानता हूं पांच हजार है लेकिन वो स्टॉक के जो सेक्टर होते हैं जैसे कि निफ्टी ऑटो हो गया निफ्टी एनर्जी हो गया निफ्टी मेटल हो गया निफ्टी एफ हो गया निफ्टी आई हो गया ये तो मात्र दस से बारह है तो आप क्या कर सकते हो पांच चार्ट तो नहीं देख सकते लेकिन आप इनके चार्ट देख सकते हो कि इनके इंडेक्सिस के तो आप इनके सेक्टर के इंडेक्स चार्ट देखो जिस भी इंडेक्स का चार्ट आपको अच्छा लगे यानी जो ब्रेकआउट दे रहा है आप उनके अंदर के स्टॉक्स निकाल लो अभी मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगा लेकिन मैं जानता हूं वीडियो को पूरा कोई देखता नहीं है आधे लोग यहीं से वीडियो पे चले गए होंगे क्योंकि इतनी किसी को नहीं चाहिए लोग चाहते हैं मेरे को एक ऐसा टूल दिखा दो उस पर दवाऊ और मेरे स्टॉक आ जाए भाई शॉर्टकट के पीछे जाओगे ना लॉन्ग टर्म में पैसा तो नहीं बना पाओगे अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो आओ मेरे टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में डेली एक दो ट्रेड देता हूं पैसा बना लो बट उससे आप अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में अगर आप असलियत में ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको चीजें सीखनी पड़ेगी तो अभी हम जो बंदे सीखने के लिए डेडिकेटेड है प्लीज वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि इतने में से इतने लोग वो हैं जो अच्छे से सीख रहे हैं तो देखो नंबर सेकेंड चीज हमें क्या देखना है हमें सेक्टर्स को देखना है सेक्टर के चार्ट कहा मिलेंगे कैसे हम उनमें देख सकते हैं टेंशन मत लो अभी आपको सिखाता हूं नंबर थर्ड चीज और सुन लो तीसरी चीज को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है देखो लोग क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए वो समझो लोग बोलते हैं कि स्टॉक का जो सौ रुपए पर है ठीक है गाइज वो आ गया 95। फाइव यार सौ रुपए वाली चीज नाइनटी फाइव में मिल रही है इसको बाय कर लो लोग विश्वास करते हैं इस पर हमें क्या करना चाहिए देखो किसी भी स्टॉक में अगर जेनवनली मोमेंटम आने वाला है जेनवनली ऊपर जाएगा तो वो किसी रेंज का तो ब्रेकआउट करके जाएगा ना चाहे उसमें इवेंट हो चाहे उसमें न्यूज हो चाहे उसमें कुछ भी हो कोई भी प्राइजेक्शन हो आप लोग क्या करते हो कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है, गिर है उसको गिरते गिरते में बाय कर लेते हो और इस तरीके से आपका पैसा फंस जाता है मैं क्या बोलता हूं अगर कोई स्टॉक गिर रहा है उसको गिरने दो उसका वेट करो कि कब वो दोबारा होल्ड करेगा अगर वो होल्ड करने के बाद में जब वो ब्रेकआउट देना तब उसको बाय करो मैं जानता हूं जिस बंधे ने गिरते गिरते में खरीदा क्या पता उसकी बाइंग यहां पर होगी और आपकी बाइंग यहां पर होगी इसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा बट ऐसे आप क्या हर स्टॉक में बाय करते रहोगे कि गिर रहा है बाय करो गिर रहा है बाय करते नहीं हमेशा वेट करो एक राइट अपॉर्चुनिटी का मैंने काफी लोगों को देखा है जिस भी दिन कोई स्टॉक बड़ा गिरता है ना उन लोग उसको बाय कर लेते हैं और अगले दिन फिर वो स्टॉक गैप डाउन हो जाता है एंड देन बैठ के रोते हैं देखो ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर आप ट्रेडर बन नहीं सकते आपको वेट करना है अपॉर्चुनिटी का आपको पता है अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो किसी रेंज को ब्रेकआउट करके ही जाएगा तो आप क्या करो रेंज के ब्रेकआउट का वेट करो किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी जब तक आपको उसमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिले अब हमने हमारे तीनों फिल्टर को देख लिया है तीनों फिल्टर को दोबारा एक बार आपको बता देता हूं नंबर वन जो फिल्टर है वो हमारा निफ्टी हंड्रेड के अंदर से स्टॉक होना चाहिए हम समझ चुके हैं नंबर सेकंड हमें उसके सेक्टर देखने आने चाहिए वो भी हम आपको करके दिखाता हूं नंबर थर्ड चीज आप सीख चुके हो कि उसमें किस चीज का ब्रेकआउट होना चाहिए अब कैसे तीनों चीजों को लाइव करना है उसको आपको मैं सिखा देता हूं वीडियो में अगर आप यहां तक बने हो तो गई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज आपका एक एक लाइक इस चैनल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहता है हम प्रैक्टिकल पार्ट पे देखते हैं दो दो चीज हमने बातें करी है वीडियो में वो कैसे एक्चुअल में वर्क करती है सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें सेक्टर्स पता होने चाहिए कि हम कैसे सेक्टर वाइज चीजों को देख सकते हैं तो सबसे पहले आप ना किसी भी ब्रोकर को यूज कर सकते हो मैं यूज कर रहा हूं पर्सनली धन कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है आप इसको ग्रो में भी कर सकते हो स्टॉक्स में भी कर सकते हो बस आपको सभी के मेथड अलग होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको धन में करके दिखाता हूं यहां पे होम पेज है होम पेज में आपको जाना है मार्केट्स में जैसे आप मार्केट्स में आओगे तो आपको जाना है स्टॉक्स में स्टॉक्स में आने के बाद में यहां पे आपको दिख रहा होगा ग्लोबली लिख रखा होगा आपको ग्लोबल की जगह आ जाना है एनएससी पे आपने भी क्या किया होम से आप आए पहले मार्केट में मार्केट से आप स्टॉक्स में आए एन उसके बाद में आपने यहां पे एनएससी सिलेक्ट कर लिया अब एनएससी के जितने भी इंडेक्सेस है ना वो आपको सारे यहां पे पता लग जाएंगे देखो जैसे निफ्टी हंड्रेड हो गया निफ्टी टू हो गया निफ्टी एनर्जी हो गया निफ्टी एफ हो गया अब आपको करना क्या है ये कुछ है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह मात्र चौदह सेक्टर हैं अगर आपने इन चौदह सेक्टर के चार्ट्स देख लिए और अगर आपने चार्ट्स देखा फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एफएमसीजी है ना इसका पहले चार्ट आपके आगे खोल के दिखाता हूँ कि कैसे हमें खोलना है निफ्टी एफ मैंने यहां पे खोला फॉर एग्जाम्पल मेरे को निफ्टी एफ का चार्ट अच्छा लग रहा है उसके बाद मैं सिंपल मैं यहाँ पे इन डेप्थ में आ जाऊंगा यानी कि निफ्टी एफ का चार्ट अच्छा है तो निफ्टी एफ के अंदर कौन से कौन से स्टॉक आते हैं इन डेप्थ में गया डाबर हिंदुस्तान यूनिलीवर बलराम आईटीसी कंज्यूमर चार्ट, तो चार्ट नहीं देखने आते तो मैं कहता हूं सिंपल से एक स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बना रखी है आप उस वीडियोस को देखो ये वीडियो हर किसी चार्ट में काम आती है अगर आप मान लो निफ्टी एफ सी का चार्ट देख रहे हो वनडे के टाइम फ्रेम पे तो जस्ट आप ट्वेंटी फिफ्टी ई को लगाओ और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है अब आप यहां पर देख सकते हो चार्ट ओपन हो चुका है निफ्टी एफ सी का सबसे पहले देखो जब भी हम स्टॉक्स में चार्ट देखते हैं आपको पता है हम वनडे का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो मैं यहां पे जाता हूं वन डे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं अब निफ्टी एफ क्या एक अच्छे लेवल पे है या नहीं है वो कैसे देखना है मैंने आपको बताया आप 2050 फिफ्टी को लगा सकते हो 2050 फिफ्टी की वीडियो आप ऑलरेडी देख लो मैं यहां पे जाता हूं ये रहा मेरा 20 एंड ये रहा मेरा फिफ्टी 2050. 2050 मैंने हाँ पे अपना लगा दिया है और उसके बाद में आप देख लो ट्वेंटी है कि अभी जो ये इंडेक्स है, है. तो बाय करूंगा या फिर मैं कोई भी निफ्टी एफ एम सी जी का स्टॉक अपने डर में रखूं जिस दिन ये मेरे ई एम ए के ऊपर आ जाएगा निफ्टी एफ एम सी जी उसके बाद में क्या कर सकता हूँ निफ्टी एफ एम सी सी के स्टॉक्स को रिकमेंड कर सकता हूं उनके स्टॉक देख सकता हूँ अब ऐसे मैंने क्या देखा कि निफ्टी एफ एम सी सी नहीं है सही उसके बाद में मान लो मैं बैक आता हूं दोबारा मार्केट में जाना है अपने को उसके बाद में आप मार्केट में आने के बाद स्टॉक्स में, में आना है इंडेक्सेस में आना है यहां पे आपका ग्लोबली लिख रखा होगा आपको ग्लोबल से चेंज करके एन पे जाना है जस्ट इतना ही काम आपको करना है इतना काम आप जैसे ही कर लोगे तो आपके आगे सारे दोबारा से इंडेक्सेस आ जा जाएंगे फॉर एक्जाम्पल अभी हमने निफ्टी एफ देखा था अब मैं आपको दिखा दिखा निफ्टी आई टी के दिखाता हूँ निफ्टी आई टी पे गया मैं यहां से मैं निफ्टी आई टी का चार्ट खोला अगेन निफ्टी आई टी के अंदर कौन से कौन से स्टॉक आते हैं वो मैं इन डेप्थ में जाके यहाँ पे चेक कर सकता हूं पर उससे पहले मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट देखना सिखाता हूं कि कैसे हमें चार्ट देख के पता लगाना है कि इस इस सेक्टर के जो स्टॉक्स है अभी हमें रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए अपनी वॉच लिस्ट में देखो यहाँ पे निफ्टी आई का चार्ट खुल चुका है अगेन फाइव मिनट का खुला है हमें क्या करना है वन डे पे जाना है देखो मार्केट का भी सीना इस तरीके से चल रहा है कि जितने भी स्टॉक्स है ना लगभग आपको गिरे हुए मिल लेंगे क्योंकि आप जानते हो मार्केट ही ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं निफ्टी फिफ्टी अगर बैंक निफ्टी देखते हो बट उससे हमारा व्यूजन नहीं है देखो अभी हमने निफ्टी आई का चार्ट खोला निफ्टी आईटी पे हमें क्या करना है अगर आपको कुछ भी नहीं आना चार्ट देखना तो मैं कहता हूं सिंपली आपको बस ट्वेंटी एंड फिफ्टी वाली वीडियो देख दो ई एम लगाता हूं अभी क्या दिख रहा है मेरे को कि अभी जो स्टॉक है ना निफ्टी आईटी ने अपने इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया है तो अगर निफ्टी आईटी ने इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया है तो क्या अभी हमें इसमें

उससे नीचे इसमें ब्रेकडाउन मिल गया तो आप क्या कर सकते हो अभी कुछ दिनों तक सेलिंग साइड की पोजिशन अगर आपको बनानी है तो आप निफ्टी आई के स्टॉक्स में बना सकते हो तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि कितना ही आसान काम है अब निफ्टी आईटी के इंडिया पर मैं जाऊंगा तो मेरे को यहां पे सारे स्टॉक्स मिल गए इन्फोसिस विप्रो एम्पेसिस टीसीएस एचसीएल ये सारे स्टॉक तो बस इतना ही आसान है तो होपफुल आप लोग इतना समझ हमें लेने या नहीं लेने। लेकिन अभी हाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता हमने हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई स्टॉक में अभी ब्रेकआउट आया है नहीं आया है उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है होम पेज जाना है और जो ये मैं तरीका बता रहा हूं ये सिर्फ आप धन में ही यूज कर सकते हो तो होपफुली आपके पास धन का अकाउंट हो आप मार्केट में आना लाइव में आना आप जैसे लाइव में आओगे उसके बाद में आपके पास यहां पे मार्केट एक्शन का ऑप्शन आएगा आप मार्केट एक्शन पे आना यहाँ पे आपको एफ एन ओ स्टॉक्स मिल जाएंगे या यहाँ आप यहाँ पे जाके निफ्टी हंड्रेड के अंदर कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा निफ्टी हंड्रेड मैंने लगाया लाइव में आया मार्केट लाइव मार्केट एक्शन निफ्टी हंड्रेड अब निफ्टी हंड्रेड में ऐसे कितने स्टॉक हैं जिन्होंने आज अपने रेजिस्टेंस वन को क्रॉसओवर किया है यहां से आप देख सकते हो आर वन अब मैं आर वन पे गया R1 पे जैसी मैं क्लिक करूंगा तो मेरे आगे यहाँ पे वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जिन जिन स्टॉक ने आज क्या करा है अपने उसको किया, रेशन को अंदर हमें वो कैसे स्टॉक मिलेंगे जो ब्रेकआउट कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे पता लगा लिया अब आर वन को जो चीज ब्रेकआउट कर रही है वो सारे स्टॉक यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अब यहाँ पे हमें कौन से स्टॉक को बाय नहीं करना हमने दो सेक्टर देखे एंड निफ्टी आईटी ये दोनों अभी कैच कर रहे हैं बहुत नीचे चल रहे हैं तो इन दोनों के स्टॉक अगर हमें आज यहाँ पे दिखते हैं तो हमें उनको अवॉइड करना सही रहेगा फिर उनको बाय करना सही रहेगा इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए डेफिनेटली अवॉइड करना तो देखो अभी हम यहाँ पे इतने सारे स्टॉक देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को यहाँ पे एक टाइटन ऐसा स्टॉक दिख रहा है जो अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पे गया मैं टाइटन पे जाऊंगा टाइटन का चार्ट ओपन करूंगा अगेन यहाँ पे गया ये मैंने टाइटन का चार्ट ओपन कर दिया अगेन और वन डे पे कर देता हूं रेशन वन को क्रॉस ओवर कहीं कहीं, किया ये स्टॉक पहले गिरा था ये स्टॉक देखो पहले गिरा और अभी इसने रेशन को क्रॉस ओवर किया है अब जब आपको लग रहा है कि आज इसने अपने रेशन वन को क्रॉस किया यानी कि ये क्षमता रखता है अपने रेशन टू के ऊपर भी जाने में रेशन थ्री के ऊपर जाने में

क्या हमें इसको बाय करना चाहिए नो तो होपफुली आप लोग समझ गए कि किस तरीके से हमें काम करना है सबसे पहली चीज हमें निफ्टी हंड्रेड के अंदर काम करना है दूसरी चीज हमें पहले उसके सेक्टर के चार्ट देखने बारह सेक्टर है सभी का चार्ट देख लो ट्वेंटी फिफ्टी ई लगा के देख लो आपको इजी समझ आ जाएगा उसके बाद में आप निफ्टी हंड्रेड में जाके कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाल सके वन को, टू को, थ्री को है। उन सभी स्टॉक को आप देखो जो जो स्टॉक आपके ई के ऊपर मिल लेंगे आप उनको आराम से बाय कर सकते हो अब आपको अभी इस टाइम पे अगर आप जाके देखोगे तो काफी स्टॉक ऐसे हैं जो अभी अपने ई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन मार्केट बहुत ज्यादा लो है तो जब मार्केट गिर रहा हो उस टाइम पे हमें बाइंग साइड में ऐसी ट्रेड नहीं बनानी चाहिए उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे रखा है कि गिरते हुए मार्केट में कैसे पैसा बना सकते हो उसमें मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग की एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी है तो आपको हर चीज आनी चाहिए अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको उस टाइम में सेलिंग करके पैसा कमाना आना चाहिए और नॉर्मल डेज में तो आप नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग करके भी अच्छा पैसा बना सकते हो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो में आपको समझ कितना है कितना नहीं आया मुझे नहीं पता लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स में करोगे बताओगे कमेंट्स में तो वहाँ पर कमेंट्स पढ़ के मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया और जितना भी समझ में आया प्लीज उतना बताना जो भी डाउट आपको दिमाग में है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तुम्हारा भाई तुम्हारा रिप्लाई जरूर करेगा बाकी इसी तरीके से रेगुलर वीडियोज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो हंड्रेड लाइक का इस वीडियो पर टारगेट है चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद